वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है प्यारी सी लोकेशन पर। आप मेरे पीछे रास्ता कुछ इस तरह का है, ये रास्ता जिससे हम जा रहे हैं। इसके बीच हम फंस गए हैं, बिजली यहाँ पर कड़क रही है जोर से। बादल आ चुके हैं ऊपर और देख सकते हैं कि इस तरह ये है। यहाँ पर बादल आ चुके हैं और वहीं हम पे ऊपर जाना है अभी। और इधर है जो बर्फ। बैंक का यहाँ ओले हो रहे गिर रहे हैं। इधर देखो पूरा वाइट हो चुका है। मौसम है काफी तेज, भयंकर रूप से खराब हो चुका है। काफी तेज यहाँ पर बारिश आ रही है और ये रास्ता आप देख सकते हो, जो रास्ता है कुछ इस तरह का आप देख सकते हो। हम जो बर्फ है, फाइनली हम पहुंच गए टॉप पर, जो ट्रेंड है उसके टॉप पर पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ देख, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है प्यारी सी लोकेशन पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो जिस तरह का पर जानना है। तो आज अब हमें ट्रेंड ट्रैक, जिसकी हम आज ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेंड पर जा रहे हैं ऊपर। तो ये है सात से आठ किलोमीटर का जो ट्रैक है वो आज कर रहे हैं। तो सुबह हम निकले थे 9:30 बजे के आसपास, तो अभी हम रास्ते में हैं। हाफ हमने यहाँ से ट्रैक कर लिया ऐसे लग रहा है, लेकिन बारिश धीरे धीरे बारिश हो रही है तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर इस जो रास्ता है, पथरीला रास्ता है, आप देख सकते हो। इधर ये पीछे वाटरफॉल, खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ पर हो रहा है। और साथ में इधर का व्यू आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ पर व्यू है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, आपको ऊपर का रास्ता दिखाएंगे। बारिश के चलते मैं पहले व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर व्लॉग कर रहा हूँ। और ये पथरीले रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ मैं किस तरह का ये पथरीला रास्ता है। कुछ इस तरह का ये रास्ता है, पथरीला रास्ता, जिससे हम ये ट्रैक करे जा रहे हैं। हम उधर उच्च पहाड़ियों के उधर से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं और अब हम इस तरह के ट्रैक पर चल रहे हैं। रास्ता कुछ इस तरह का है, ये रास्ता जिससे हम जा रहे हैं। तो हमने काफ़ी हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर ये हो रही है। खूबसूरत व्यू यहाँ पर, मिड पॉइंट है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो बादल ऊपर हैं और यहाँ से आप इस व्यू को एंजॉय करिए। आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। इधर ही ये धर्मशाला का खूबसूरत स्टेडियम, जो आपको हल्का हल्का यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन अभी हम हैं ट्रैक के आधे पर। कुछ स्टॉल हैं यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं, चाय भी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन ऊपर बादल आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आके। यहाँ पर एक ये फिर से खूबसूरत व्यू हमें दिखाई दिया, मिड पॉइंट है, ये है डिवाइन नेचर कैफे। आप मेरे पीछे आप रिव्यू देख सकते हो, बादल आ चुके हैं ऊपर और जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी हमें ऊपर जाना है, जहां वो ऊपर बादल है वहां ऊपर जाएंगे हम थोड़ी देर में। बारिश की वजह से हम यहां पर जो मिड पॉइंट है यहां पर रुके हुए हैं। पीछे थोड़ा छोटा सा कैफे है और नीचे भी ये डिवाइन कैफे, इधर आप देख सकते हो। और मेरे पीछे का व्यू ये पूरा, इधर पीछे धर्मशाला का व्यू आपको दिखेगा। तो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि इस तरह ये है। यहाँ पर बादल आ चुके हैं और वहीं हम पे ऊपर जाना है अभी। और इधर है जो बर्फ़, यहाँ पर ये बर्फ़ गिरी हुई हल्की हल्की, तो अब आपको ऊपर भी दिखाएंगे कि कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। एक बार हम ऊपर जाएंगे तब। एकदम हो चुका है यहाँ पर अंधेरा और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर, आपको दिखाऊंगा पीछे का भी। इधर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, पहाड़ों के बीच में आ चुके हैं। और ये रास्ता है, इन जंगलों में अंदर जा रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरह के पहाड़ है, जिस तरह का मौसम ने करवट बदल दी यहाँ पर। आज मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और यहाँ से हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बारिश भी वापस हो चुकी स्टार्ट,
छाता, वहाँ पर ना छाता तान लेते अब। इतने लगा लिया अपने, बैंक का यहाँ ओले हो रहे, गिर रहे हैं। इधर देखो पूरा वाइट हो चुका है, काफ़ी तेज बारिश के बीच में फंसे हुए हैं और वैसे जगह रखे हुए हैं। हल्का सा ही हमारे पास ऊपर छतरी है, उसकी वजह से रुके हैं। ओलों की बारिश काफ़ी तेज यहाँ पर है, और भाई ये वैसे दिखते हुए जा रहा है, इसके पास काफ़ी आइटम है लेकिन फिर भी ये बिक रहा है। तो जिस तरह की तूफानी बारिश के बीच हम फंस गए हैं, बिजली यहाँ पर कड़क रही है जोर से। मौसम है काफ़ी तेज, भयंकर रूप से ख़राब हो चुका है, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बारिश आ रही है और बिजली आसमान में बड़ी तेज़ी से यहाँ पर कड़क रही है, जिसके चलते हमारे सूज पूरे हमें भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। इधर देखो उधर बर्फ़ पड़ी हुई है हल्की हल्की, और पानी चारों तरफ मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है, और बिजली की कड़क जो गड़गड़ाहट जो आपको सुनाई दे रही है उसके बीच हम ये ट्रैक कर रहे हैं। तो इतना ख़तरनाक है ये करना, ये रास्ता आप देख सकते हो, और ऊपर बिजली जो कड़क रही है और ये मूसलाधार बारिश लगी हुई है, उसमें इस तरह का ट्रैक करना खतरे से खाली नहीं है। फिर हम फंस गए रास्ते में, तो हमें ट्रैक ऊपर कंप्लीट करके ऊपर पहाड़ी पे जहाँ बर्फ़ है उधर हम जाने वाले हैं। दिखाऊंगा, काफ़ी तेज़ अब बारिश हो रही है लगातार थंडर स्टॉर्म के साथ, काफ़ी तेज़ यहाँ पर बिजली जो चमक रही है, लेकिन उसके बीच हम यहाँ हैं आपके साथ, और आपको ऊपर का भी दिखाता हूँ कि पानी यहाँ पर कितनी तेज़ उस गति से आ रहा है। हाँ, ओले जो अभी भी गिरे थे यहाँ पर, क्योंकि फिसलन हो रही है इन पर, तो आप देख सकते हो। एक बार मैं ऊपर कैमरा करता हूँ, आप देखोगे गाइस आइडिया लगाओगे कहाँ हम हैं, कितनी ऊपर है, और ये काफ़ी तेज़ यहाँ पर जो बारिश है वो कंटिन्यू हो रही है। लोग अभी भी ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऊपर जो हम जैसे लोग काफ़ी लोग हैं जो बारिश में भी ये ट्रैक पूरा कर रहे हैं। इतनी जो पथरीले रास्ते हैं, और यहाँ पर जो पानी का बहाव आप देख सकते हो कितना तेज़ यहाँ पर बहाव है, और यहाँ से थोड़ा सा मौसम खुलने लगा है, और मेरे पीछे देख सकते हो कितनी यहाँ पर बर्फबारी हुई है अभी अभी जस्ट, ये काफ़ी बर्फ़ यहाँ पर गिरी है, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर गिरी है, जिसका देखिए अभी एकदम मौसम क्लियर हो चुका है। अब हम ऊपर जाएंगे, उस टॉप पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ हम जाने वाले हैं, तो वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। बारिश का एकदम बहुत ही अच्छा एकदम खुशनुमा मौसम हो चुका है यहाँ पर। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप पर, थोड़ी सर बचाओ वहाँ पर पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, और यहाँ से कुछ बर्फ़ का ये अभी जो बारिश हुई थी उसके बाद जो ओले गिरे हैं, तो एकदम सफ़ेद चादर हो गए ओलों से। अब देख रहे हो उधर नीचे से हम आ रहे थे, बीच में हम जो रुके थे तो यहाँ पे मिड पॉइंट में रुके थे, इधर से हमारे चढ़ते चढ़ते आ रहे हैं, अब हम ऊपर जाएंगे यहाँ से आगे। जो रास्ता है कुछ इस तरह का आप देख सकते हो, हम जो बर्फ़ है उसमें इस तरह के रास्ते में चल रहे हैं अभी भी। तो अब यहाँ से पहुँच चुके हैं, इस तरह हमारी हालत है, भीग चुके हैं पूरा, भीग कर वापस से सूख गया हूँ ऊपर, तो मैं और ऊपर चलते हैं। अब फाइनली हम पहुँच चुके टॉप पर, जो ट्रेंड है उसके टॉप पर पहुँच चुके हैं। चारों तरफ बर्फ़ देख सकते हो, क्या जबरदस्त यहाँ पर बर्फ़ हो रही है, चारों तरफ बारिश का मौसम हो रहा है, और अब बारिश में भीगते हुए अभी भी बारिश वापस स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको ऊपर पीछे का व्यू दिखा देता हूँ किस तरह का है। फाइनली निकल चुकी है धूप, काफ़ी देर बाद हमने एक घंटे घंटे यहाँ वेट किया है, पीछे सारी ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, कुछ ही बर्फ़ अभी गिरी है, कुछ पहले गिरी थी।
वापस चल दिए हैं नीचे। काफ़ी देर हम यहाँ रुके, कम से कम 2 घंटे हो गए हमें, तो काफ़ी एडवेंचर किया आज हमने। जो हमारा ट्रैक करने का वो था, काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा। काफ़ी हमें कठिनाई का सामना भी करना पड़ा यहाँ पे, जिस तरह की बारिश थी, जिस तरह के ओले गिरे थे, तो पूरे भीग गए थे हम, लेकिन वापस सब सूख गए। अभी भी काफ़ी ठंड है यहाँ पर और मैं संभल कर चल रहा हूँ। लोग भी इधर देख सकते हैं, काफ़ी एडवेंचर यहाँ पर कर रहे हैं अभी। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे, अगर नीचे का कुछ भी होगा फिर वो आपको एक बार बेस्ट से दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे। भी हम घूम रहे हैं धर्मकोट, जो पड़ता है मैकलोडन से आगे। तो यहाँ की छोटी छोटी ये गलियाँ जिनमें हम घूम रहे हैं अभी, और इस इधर शॉप्स कुछ। और अभी टाइम हो रहा है दूसरे दिन के सुबह, यहाँ पर बज रहे हैं 8। और एक्चुअल में मैं शाम को जो उतरते वक्त हम ट्रैक्स उतर रहे थे, शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली जो मेरे मोबाइल है उसकी बैटरी यहाँ पर जो डाउन हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पर हम शूट नहीं कर पाए। तो आई होप अब इस ब्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए।